हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होगी। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं ये काले चने होते हैं ना, उनकी मिठाई। उनकी मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं भुने हुए चने। ये देखिए, इनको हम क्या करेंगे, इनके छिलके हम हटा लेते हैं। ऐसे आराम से करेंगे ना, इनके छिलके हट जाते हैं और आराम से इसके छिलके अलग हो जाएंगे। इन सबको हम छिलकों से अलग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छिलके हमने अलग कर लिए। अब ये हमने काले चने ले लिए और ये देखिए, ये इसके छिलके आराम से अलग हो जाते हैं। इसको अब हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, इसका एकदम हमने सॉफ्ट पाउडर बना लिया, एकदम पिस गया है। ये देखिए बहुत एकदम। अब इसको हम छन्नी से छान लेते हैं। ये देखिए, इसको अब हमने छान लिया अच्छे से। इसमें हम क्या करेंगे, ये गुड़ एक ढोली हमने ली है, इसको अच्छे से कूट के मिक्सर जार में एक बार और चला देते हैं। ये देखिए, इसमें हमने गुड़ डाल दिया कूट के, इसको अब हम चला देते हैं अच्छे से। ये देखिए, इसमें हमने गुड़ भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। और ये हम घी जो है घर का शुद्ध डाल रहे हैं। आप इसमें रिफाइंड ऑयल या डालडा ये सब मत डालिए, क्योंकि इसका टेस्ट फिर ना अच्छा नहीं आएगा। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये पूरा बन नहीं रहा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 1 से 1.5 चम्मच जो एकदम फ्रेश मलाई होती है ना, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच के करीब मलाई ले ली है, इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये मलाई हमने फ्रेश लेनी है, फ्रिज में रखी हुई 1 या 2 दिन पहले की बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट हमारा ये डो बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहें इसके पेड़े बना सकते हैं, चाहें तो बर्फी बना सकते हैं। मैं इसकी बर्फी बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने छोटा सा बॉक्स ले लिया, इसमें हमने ये घी लगा लिया। आप इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं, चाहे तो नीचे बटर पेपर रख सकते हैं, मैं पेपर नहीं रख रही। इसमें ये मैंने घी लगा लिया। अब इसको डो को अच्छे से इसमें सेट कर देते हैं। और सच में फ्रेंड्स, ये गुड़ और चने की मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। ना ही इसमें मैंने शुगर डाली है, ना ही कुछ खोआ, ना मावा, कुछ भी नहीं डाला, और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई लगती है। ये देखिए, इसको मैंने डिब्बे में अच्छे से चारों तरफ से सेट कर दिया। और एक दो बार ऐसे ऐसे कर देंगे ना, तो पूरा अच्छे से ये हमारा बैटर जो है सेट हो जाएगा। अब इसको हम आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में नीचे जहाँ पे आप बाकी मटेरियल रखते हैं ना, सब्जी वगैरह हो गई, दूध हो गया, ये सब, वहां पे इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, और इसको ये देखिए जम गई अच्छे से, है ना। इसको हम साइड से अलग कर देते हैं। ये देखिए, हल्का सा साइड से चक्कू से मैंने किया तो एकदम ही अलग हो गई, बहुत जल्दी अलग हो जाती है ये। अब इसमें हम वर्क लगा देते हैं। ये देखिए, इसमें अब हम वर्क लगा लेते हैं, बहुत ही ध्यान से लगाना है। ये देखिए, अब इसको हम कटर की सहायता से या नाइफ की सहायता से इसके बर्फी की कटिंग के पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान से पीसेस इसके हो। ये देखिए, पीसेस में हमने काट लिया। अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। बहुत ही आराम से ये सेट हो जाएगी, और इसको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये हमारी काले वाले चने जो हेल्दी हेल्दी होते हैं, उसकी ये बर्फी है। ये देखिए, लग रही है ना कितनी ही यम्मी यम्मी दिखने में, और उतनी ही यम्मी यम्मी ये टेस्ट में भी है। देखिए, ये बीज हमारे मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। अब ये हर एक पीस में मैं ये रख देती हूँ डेकोरेट के लिए। ये देखिए, इसका लुक आ गया ना एकदम बढ़िया। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट जाती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और एकदम मस्त बनी है, और इसका टेस्ट बहुत ही गजब का है। इसको आप एक बार बना के देखेंगे, खाएंगे ना, बहुत ही। और ये हेल्दी भी है, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला, और ये आप कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप बना के स्टोर कर सकते हो, क्योंकि गुड़ है वो भी नुकसान नहीं करता, और काले चने हैं वो भी हमारा नुकसान नहीं करते। अगर आपको इस तरह हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही हेल्दी हेल्दी ये रेसिपी हमारी बन के रेडी हुई है। ये देखिए हमारी बर्फी बहुत टेस्टी है। एक बार आप आइए और बना के खा के जरूर देखिएगा।